यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। ये हमारी सीरीज की 80 नंबर की वीडियो है, मतलब कि 79 वीडियो ऑलरेडी जो कि हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। और हमारा टारगेट है नॉन टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 3453 पोस्ट की वैकेंसी है, और जिसमें नॉन टेक पोर्शन 100-200 मार्क का पेपर होता है, जिसमें 100 मार्क जो कि टेक्निकल होता है और 100 मार्क नॉन टेक्निकल होता है। और नॉन टेक्निकल में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, जैसे कि नॉन टेक्निकल में जैसे कि हिंदी आता है, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और MPGK। इन सभी टॉपिकों को मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। तो इन सभी टॉपिकों को कवर करने के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी सीरीज चल रही है, और जिसका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। तो ये हमारी सीरीज की जो कि 80 नंबर की वीडियो है। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, हियर इज माई इंस्टा ID। अगर आप परीक्षा ऐप यूज करते हैं तो उसमें ENG50 कूपन कोड यूज करते ही आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी सब इंजीनियर नोट्स ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर नोट्स और सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। और अबाउट परीक्षा ऐप, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन और भी स्मार्ट तरीके से करने के लिए आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, तथा उस पर आपको अगर टेस्ट सीरीज लेना है तो ENG50 कूपन कोड यूज कीजिए, जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना, तो 1000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज को मात्र जो कि 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, ठीक। उसके अलावा टेस्ट सीरीज किस चीज़ की है, तो सब इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 20 जो कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और जिससे आप अपने एक्चुअल रैंक का भी पता भी कर सकते हैं, तथा साथ ही साथ आप अपने एक्चुअल कंपटीशन का लेवल, स्टैंडर्ड, हर चीज़ का देख सकते हैं। तो आज के हम वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो कि राखालदास बनर्जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो कि राखालदास बनर्जी, और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरे क्वेश्चन, वह शासक जिसके एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि उपवास की तरह याद कैसे किया, तो इस लास्ट समय में श्रवण वेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे ये चला गया था और उपवास के साथ अपना जीवन त्याग कर दिया था। सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई कब लड़ी थी, तो 261 ईस्वी में लड़ी थी। उसके अलावा सम्राट अशोक कौन से धर्म को फॉलो करता था, तो बौद्ध धर्म को। और तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, तो उसने एक सच्चे मुनि की तरह से शरीर को त्याग कर दिया। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के मध्य लड़ा गया, और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया, यानी ऑप्शन जो कि बी थर्ड सही है। बंगाल में मुगल साम्राज्य के पृथक कर स्वतंत्र किया, तो मुर्शिद कुली खान जो कि करेक्ट आंसर है। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, तो मुर्शिद कुली खान। विधवा पुनर्विवाह कब बना, तो 1856 में, और किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। उसके अलावा सती प्रथा कब बंद किया गया, तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और विलियम बेनेडिक्ट के प्रयासों से। तो विधवा विवाह कब चालू हुए, 1856 में। 1857 में क्या हुआ, 1857 में जो कि क्रांति हुई थी, और क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, तो बैरकपुर छावनी से हुई, और किसने स्टार्ट किया, तो मंगल पांडे ने स्टार्ट किया। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई, तो 1858 में, और इस समय वायसराय कौन था, तो कैनिंग जो कि फर्स्ट वायसराय था भारत का, जिसने 1857 में ब्रिटिश क्राउन जो कि डायरेक्ट शासन सिस्टम यहाँ से करते थे।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो जो कि 7 वर्षों तक चला। उसके बाद आर्य समाज, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो वो केंद्रीय एशिया से आए थे, आर्य जो कि भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। उसके बाद किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई? तो आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। उसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई? तो बैरम खान और हेमू के बीच में हुई। तो बैरम खान और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। उसके बाद मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था? तो मोहम्मद गोरी जो कि अफगानिस्तान से आया था। तो मोहम्मद गोरी जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और ये अफगानिस्तान से भारत में आया था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो प्रेयसी किसकी थी? तो बाजीराव पेशवा की थी। बिहार उत्तर प्रदेश के किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? तो बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? तो खिलजी ने। और खिलजी जो कौन से खिलजी शासक ने? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीता। उसके अलावा बाबर ने कब गद्दी पर बैठा? तो 1526 में। तो बख्तियार खिलजी जिसने बिहार को प, प, पर मुस्लिम शासक जिसने जीता था। और वह बिहार का कौन शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो शेर शाह सूरी जो कि जीटी रोड बनाया था यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, और शेर शाह सूरी का मकबरा जो कि बिहार के सासाराम में है। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपनी कारखाने स्थापित की? तो स्थापित जो कि सूरत में किए। पहली सहायक संधि कौन थी? तो पहली सहायक संधि जो कि निजामों ने किया था। तो पहली सहायक संधि जो कि निजाम, जो कि हैदराबाद के निजाम थे, उसने हैदराबाद के निजाम ने पहली सहायक संधि हैदराबाद के निजामों ने की थी। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? तो किसके शासनकाल में चीनी यात्री भारत में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री जो कि भारत में आए थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मुगल को प्रिंस ऑफ विल्डर के नाम से पुकारा जाता है? तो निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है शाहजहाँ को। क्यों? क्योंकि ये आर्किटेक्चर वास्तुकला का प्रिंस था। मतलब ये इसके समय में ज़्यादा चीज़ें कंस्ट्रक्शन की गई, जैसे कि लाल किला, उसके बाद आगरा का ताजमहल। इस तरह से इसे शाहजहाँ ने ये सब करवाए थे। उसके अलावा जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है? तो जहांगीर को पेंटर किंग के रूप में जाना जाता है। उसके बाद सिख समुदाय के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, और अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु थे। उसके बाद जो कि सिखों ने अपना गुरु सिस्टम बंद कर दिया और उसने अपना गुरु किताब को यानी गुरु ग्रंथ साहिब को अपना जो कि गुरु मानने लगे। यानी गुरु ग्रंथ साहिब अब उन सिखों की होली बुक है तथा वही गुरु है। तो गुरु गोविंद सिंह जो कि उसके बाद कुचिपुड़ी कहाँ से आरंभ हुआ? तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ। उसके अलावा अगर हम मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम कहाँ पे है? तो मोहिनीअट्टम केरल में है। उसके बाद कथकली केरल की है। कथक नृत्य कहाँ का है? तो कथक जो कि यूपी का है, कथक नृत्य यूपी का। उसके अलावा अगर भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह सॉरी भरतनाट्यम तो तमिल भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। उसके बाद कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। कर्नाटक का जो कि यक्षगान है। पंजाब का अगर फॉल्क डांस की बात करें तो फॉल्क डांस पंजाब का कौन सा हो सकता है? तो पंजाब का फॉल्क डांस गिद्धा है। गिद्धा जो कि यहाँ का फॉल्क डांस है। राजस्थान का सुईसेनी है। उसके अलावा
आते हैं नेक्स्ट पे चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। तो चित्रकला में गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, तो ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया। ताजमहल का डिजाइन डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद ईसा था। उस्ताद ईसा जो कि ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, तो कल्कि जो बौद्धों जो कि अवतार है। उसके बाद सम्राट अशोक, जो सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल को का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया, तो फतेहपुर सिकरी में जो कि पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में सम्राट अशोक ने अकबर ने करवाया। अकबर का शासनकाल कब तक रहा, तो 1556 से 1605 तक रहा था अकबर। उसके बाद कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, तो कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है वो किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की, तो दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज की। ब्रह्म समाज की किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने 1829 में क्या किया था, तो सती प्रथा को इंड किया था। और किसके साथ इंड किया था, तो विलियम बेनेडिक्ट के साथ मिलकर बंद किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की, तो आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद किसके इबादत खाना बनवाया, तो अकबर ने इबादत खाना बनवाया। जहांगीर जो कि पेंटर किंग था, शाहजहां जो कि वास्तुकार था। भारत की प्रथम महिला शासिका शासक बनी थी, तो रजिया बेगम। और रजिया बेगम कब बनी, तो 1236 से 1240 तक रजिया बेगम जो कि प्रथम महिला शासक बनी रही, तो रजिया बेगम इसका करेक्ट आंसर होता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का था। और मैसूर में कितनी लड़ाई हुई थी, 4 लड़ाई हुई थी, जो कि 1760 1782 एक 80-82 होता है, उसके बाद 1792 उसके बाद 1799 ये 4 लड़ाई है जो कि मैसूर की लड़ाइयाँ होती हैं। और जिसमें अलग अलग जैसे मंगलोर की लड़ाई, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो जो टीपू सुल्तान था। और टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था, तो उसके पिता का नाम था हैदर अली। तो ये मैसूर के शासक थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसके समाधि के कारण नादेड़ा गुरु और सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा पवित्र माना जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया था, तो सुल्तान महमूद ने बनवाया था। कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, तो सबसे पुराना स्मारक कौन है, तो अजंता की गुफाएं। और ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। ताजमहल जो कि आगरा में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। उसके बाद खजुराहो जो कि चंदेल शासकों ने बनवाया था, और ये मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो का मंदिर जो कि चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये मध्य प्रदेश में। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। ताजमहल जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, कई लोगों ने बनवाया था कुतुब मीनार को। तो सबसे पुराना स्मारक कौन है, तो अजंता की गुफाएँ हैं। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो ये पूजा करते थे पशुपति की। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। और शाहजहां को प्रिंसेज ऑफ आर्किटेक्चर या ये वास्तुकार में, इसका आर्किटेक्चर में ज़्यादा फेमस था, मतलब इसने कंस्ट्रक्शन कई करवाए थे। उसके बाद अकबर जो कि सबसे कम उम्र में शासक बनने वाला था। उसके बाद शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो शिवाजी के शासन में आठ आठ लोग होते थे। आठ में एक जो
पेशवा होता था वो मुख्यमंत्री को कहा जाता था। तो अष्ट प्रधान जो शिवाजी का शासन था तो अष्ट अष्ट प्रधान था, ठीक। तो 8 लोग उसमें मंत्री मिनिस्टर अलग अलग पोस्ट दी गई, तो पेशवा जो पोस्ट था वो मुख्यमंत्री होता था। भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी, जो कि पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। उसके बाद प्रथम बोलती फिल्म कौन? आलम आरा थी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो कि 1855 में हुआ था, वियना सम्मेलन 1855 में हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जर्मन का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में जर्मन का एकीकरण हुआ था। एक्ट ऑफ यूनिक किस वर्ष पास हुआ? तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में हुई थी। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? तो लेनिन थे। और लेनिन कहाँ के थे? तो रसिया के थे। तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता जो कि लेनिन थे और रसिया के थे। रसिया की कैपिटल कहाँ पे है? तो मॉस्को है। उसके बाद अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो लेनिन ने, लेनिन जो कि रसिया के थे। लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 में की थी। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? तो टाट ट्रस्की द्वारा किया गया। तो टाट ट्रस्की द्वारा लेनिन की सेना का गठन किया गया था। उसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो मैकाले ने की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो कि मैकाले ने की थी। और मैकाले जो कि 1834 से 38 तक जो कि शिक्षा नीति को तैयार किया था। उसके अलावा मैकाले जो कि लॉर्ड विलियम वेनेटिक के समय था, और उसने शिक्षा और उसके अलावा धाराओं के बारे में, आईपीसी धाराओं के बारे में भी काम किया था। राजा राम मोहन राय का सरोकार नहीं था, तो संस्कृत शिक्षा से सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। उसके अलावा इन्हें राजा की उपाधि किससे दी गई? तो राजा की उपाधि जो कि अकबर द्वितीय ने दी थी। उसके अलावा 1829 में इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। और किसके साथ मिलकर खत्म किया था? तो विलियम बेनेडिक्ट के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। तो राजा राम मोहन राय जो कि सती प्रथा का अंत किया थे 1829 में, और विलियम बेनेडिक्ट के साथ मिलकर, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जनरल डायर। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 13 अप्रैल और किसके लिए हो रहा था? तो डॉक्टर यशपाल और सत्यपाल किचलू जो कि जेल में बंद थे, और उनके लिए शांतिप्रिय आंदोलन हो रहे थे, उसी में जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। कितने लोग मरे थे? तो 379 लोग जो कि मरे थे। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया। तो प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में, तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने लगाया। और लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट 1833 में, और सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो कि हुआ था। किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? तो 1937 में। उसके अलावा 1937 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता टू मुंबई शिफ्ट हो गया था, ठीक। उसके अलावा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में आरबीआई की फाउंडेशन हुआ, उस समय हेडक्वार्टर जो कि कोलकाता था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का प्रतिषेध किस वर्ष किया? तो 1919 में। जालियांवाला दुर्घटना किस सन हुई? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। और इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी।
1911 में बिहार में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? तो बिहार जो कि बंगाल में था। और बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को 1912 को बिहार के स्थापना दिवस मनाया जाता है। उससे पहले 1912 में बिहार जो कि बंगाल प्रांत में था उससे अलग हुआ। उसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। और 2015 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हो गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद थे। तो सर सैयद अहमद जो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के संस्थापक थे। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से। और ये कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 टू 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन फेल होने के बाद कौन सा चीज़ की स्थापना हो गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी। तो चौरी चौरा कांड कहाँ पे है? चौरी चौरा जगह जो कि गोरखपुर में है, गोरखपुर के पास में एक जगह है जहाँ पर 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था। उसके अलावा चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था तो होम रूल लीग, तो होम रूल आंदोलन था। तो होम रूल कौन स्थापित किए थे? तो 1917 में जो कि एनी बेसेंट होम रूल लीग। और उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जो कि दो अलग अलग जगहों पर स्टार्ट हुआ था होम रूल लीग। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो वो है हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने की थी। उसके बाद सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति पर, तो सिंधु घाटी के लोग जो कि विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ और कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। वैदिक गणित के प्रमुख अंग हैं तो शुल्क सूत्र जो कि वैदिक गणित के प्रमुख अंग हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। और वेद कितने होते हैं? तो चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुराण कितने होते हैं? तो पुराण 18 होते हैं। उसके बाद उपनिषद कितने होते हैं? तो 108 होते हैं। उसके अलावा तो पुराण 18, वेद 4 और उपनिषद 108 होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। तो वैदिक युग की संस्कृति की सूचना देता है तो ऋग्वेद। उसके बाद वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो कि 4 है। उसके बाद ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन ऋग्वेद में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। भारतीय संगीत की आदि ग्रंथ किस में कहा जाता है? तो सामवेद में संगीत के बारे में वर्णन मिलता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता यानी मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन था? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो कि श्रीमद् भगवद गीता है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन जो कि संपत्ति का प्रमुख रूप है। उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो कि 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 8 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो इनमें उपासना जो कि प्रकृति की है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इंद्र के लिए पुरंदर का उपयोग किया जाता है। शुल्क सूत्र किस संबंधित पुस्तक से है? तो ज्यामिति से, जो कि शुल्क सूत्र संबंधित है। अस्तो महासद्गमे कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद धर्म शास्त्रों में भू राज्य राजस्व का दर क्या है? तो 1/6 जो कि भू राजस्व का दर है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो कि ऋग्वेद है।
कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद, जो कि अंशतः गद्य के रूप में रचित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति, जो कि प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य के रूप में संज्ञा दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना, जो कि विश्वामित्र ने की थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु का के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में, जो कि सर्वप्रथम थे। सिंधु घाटी में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, जो कि भारत में स्थित है। पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, जो कि गांव के मुखिया को कहा जाता था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महानंदी थे, महानंदी जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। सिकंदर ने भारत को कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन है? तो घनंद, जो कि अंतिम सम्राट हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित है? तो वैशाली, जो कि लिच्छवी के द्वारा स्थापित है। उसके बाद प्रथम ईरानी शासक किसके द्वारा भारत के कुछ भागों में अधीन किया? तो डेरियस के द्वारा अधीन किया। त्रिपिटक कौन से धर्म से है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। त्रिपिटक, उसके अलावा विनय पिटक और उसके बाद सूत पिटक, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। और गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष पर घर से निकल गए? तो 29 ईयर पर। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 साल में। कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के पास में हुई। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे हुई। उसके अलावा इन्होंने पाला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। उसके अलावा इनकी डेथ कहाँ पे हुई? यानी महापरिनिर्वाण, जो कि कुशीनगर यूपी में हुई। इसके अलावा गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो जो त्रिपिटक है, ये बौद्ध धर्मों का है। कौन से शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसकी स्थापना, जो कि धर्मपाल ने की थी। महावीर का जन्म क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, क्षत्रिय के गोत्र में हुआ था, तो जो जात्रिक गोत्र था उसमें हुआ था। उसके बाद महावीर का माता का क्या नाम था? तो महावीर के माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन कौन था? तो नालंदा, जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। इसे नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। और बनवाया किसने था? तो धर्मपाल ने बनवाया था। उसके बाद भगवान महावीर को प्रथम शिष्य कौन थी? तो जमाली, जो कि इनके पहले शिष्य थे। आजीवक संप्रदाय कौन थे? तो मखमली घोषाल थे। तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 में तैमूर लंग ने किया। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का संस्थापक है। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो यामिनी वंश का शासक था। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज, जो कि आर्यभट्ट ने की थी। और आर्यभट्ट कहाँ से थे? तो बिहार से थे। तो शून्य की खोज, जो कि आर्यभट्ट ने की थी। सबसे प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी, जो कि विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। उसके बाद किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा पहले किया था? तो विदेशी, जो कि भारत का दौरा किया था, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की बुक कौन सी थी? तो इंडिका मेगास्थनीज की, जो कि बुक थी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता था। हर्षवर्धन ने धार्मिक सभा कहाँ किया? तो प्रयाग में हर्षवर्धन ने धार्मिक सभा किया। मिहिर कुल का संबंध कहाँ है? तो हूण से मिहिर कुल का संबंध है। बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि बाण भट्ट थे। और बाण भट्ट ने कौन सी रचना की? तो हर्षचरित की रचना, जो कि बाण भट्ट ने किए थे। तो जो कि बाण भट्ट
दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। बाल विवाह प्रथा का आरंभ कब हुआ? तो बाल विवाह प्रथा का आरंभ गुप्त काल में हुआ। सोने सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने पर सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए। उसके बाद किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध हैं। मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का, जो कि मुजारिस जो कि चेर का प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत थी। प्राचीन भारतीयों ने निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी? तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी खरोष्ठी और उसके अलावा अरमाइक, जो कि अशोक के शिलालेख ज़्यादातर इसी भाषा में लिखे हुए हैं, तो इसमें दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। भीमबेटका की गुफा ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के पास है और इसमें गुफाओं के शैलचित्र मिलते हैं। और रायसेन में सांची का स्तूप भी है जो मध्य प्रदेश में है। कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगमन है? तो मणिद्रग्राम, जो कि व्यापारियों का निगमन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो कौन सा अनाज प्रयुक्त हुआ था? तो चावल, जो कि प्रथम अनाज था। गुजरों द्वारा किस शासन को पराजित किया गया? तो हर्षवर्धन द्वारा पराजित किया गया। गौतम बुद्ध द्वारा विच्छुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो कपिलवस्तु में की गई विच्छुणी सभा की स्थापना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथ जो कि वाराणसी में है। उसके बाद कुशीनगर में, जहाँ गौतम बुद्ध की को महापरिनिर्वाण यानी इनकी डेथ हुई। बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यह ज्ञान की प्राप्ति जो कि बोधगया में निरंजना नदी के किनारे हुई थी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए थे? तो किसके शासन काल में दिए थे? तो बिंबिसार के शासन काल में दिए थे। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य, जो कि प्राचीनतम राजवंश है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो पर्ण, जो कि मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला, जो कि प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया था। सांची यूनेस्को साइट में कब रखा गया? तो 1989 में सांची रखा गया। सांची जो कि मध्य प्रदेश के पास, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो सम्राट अशोक ने की थी। सम्राट अशोक 261 में कलिंग युद्ध जीता। उसके अलावा उसने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया। उसके अलावा बौद्ध धर्म की जो थर्ड जो अध्यक्ष संगीति हुई थी उसको आयोजन किया था। पहला कौन किया था? तो पहला अजात शत्रु ने किया था, दूसरा काला अशोक ने किया था, तीसरा अशोक ने किया और चौथा कनिष्ठ ने किया था। बौद्ध धर्म की जो चार संगीतियाँ हुई थी, पहला अजात शत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्ठ ने किया था। तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो सम्राट अशोक ने की थी। कौरव वंश के संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव, जो कि कौरव वंश के संस्थापक थे। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। तो पेशावर का दूसरा नाम क्या है? तो पुरुषपुर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्ठ के राज चिकित्सक थे, और कनिष्ठ जो कि फोर्थ बौद्ध संगीति की कराया था। सम्राट अशोक जो कि बौद्ध धर्म 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध, उसने 14 सम्राट अशोक के 14 शिलालेख हैं। उसके अलावा सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप, उसके बाद सारनाथ का स्तूप, ये सब बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कनिष्ठ।
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? तो इंडो वैक्ट्रियन ने स्वर्ण मुद्राएं जो कि चलवाई थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने यवनिका का शुभारंभ किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हमने 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीएस के किए, जो कि सब इंजीनियरिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और चैनल वीडियो को लाइक करें तथा उस पर अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी 81 नंबर की वीडियो में मिलते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।